दोस्तों आप लोग कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक छोटा सा पेनी स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुजलोन एनर्जी है, जो लगातार 1 मंथ से गिरावट देखने को नजर आती है। और बात करें 6 मंथ की आगे चल के क्या होने वाला है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लाइक कर दे एंड जो लोग नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लगभग 1 मंथ की गिरावट देखे तो हमें 8% की गिरावट देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 मंथ में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। और 6 रुपये का स्टॉक था जो चल के 12-13 रुपये का हाई दे चुका। आप देख पा रहे होंगे 12 रुपये 80 पैसे का इसने हाई दिया था। तो दोस्तों अब आगे चल के बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, फ्यूचर में बेस्ट स्टॉक रहेगा या मतलब हमें लॉस कर देगा, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी न्यूज़ निकल के आई है, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप वो देख लीजिए, इसकी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये न्यूज़ निकल के आई है। तो आप देख सकते हो अभी इस न्यूज़ के माध्यम से जो अभी बातचीत चल रही है, प्रमोटर की होल्डिंग 35% और बढ़ाएंगे, मतलब ऐसी बातचीत चल रही है इनके बीच में। और आप अपडेट की बात करें तो अपडेट आप देख सकते हो 3 मार्च का है, कल के दिन का है। तो आप लोगों से मैं आज दिखाना चाहता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग इज फेल 12%, 13% की होल्डिंग करने से क्वालिटियाँ, मतलब ये हटा के अभी 35% करने को बातचीत चल रही है इनके बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है निकल के आई है, आप चाहो तो इसको आगे तक लॉन्ग टाइम के लिए अगर सोच सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। और बात करने वाले हैं तो लगभग 5 दिन की, तो 5 दिन में हमें 10% रिटर्न निकाल के ही दिया है इसने, 10.5%। तो बात ज़्यादा करें तो लगभग हमें 1 मंथ में ही गिरावट देखने को मिलती है। बात करें 6 मंथ की तो हमें चढ़ता हुआ मार्केट ही नज़र आया है, 6 मंथ के अंदर लगभग 67-68% का रिटर्न निकल के आ जाता है। बात करें आज के दिन की तो आज के दिन में देखें तो लगभग करीबन 3% की अपर सर्किट देखने को हमें मिला है। और बात करें ओपनिंग की आज के दिन की, तो लगभग ओपन हुआ था 9.95 रुपये में। तो ओपनिंग आप देख पा रहे होंगे 9.95 रुपये हाई गया था 10.35 रुपये और लो आया 9.85 रुपये। और मार्केट कैप की बात करें लगभग 950 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बहुत ही डेट फ्री कंपनी है, आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी फॉर्चुनर देख के निकाल के देगा आपको, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है एक कंपनी। इतना मार्केट गिरा आप देख लीजिए, ओनली कितना बना मंथली में, कितना मार्केट गिरा आपको भी पता है। अच्छे अच्छे स्टॉक है ना, TTML जैसे, ट्रेड नेट जैसे शेयर है ना, वो भी अच्छे अच्छे झुक के दो तो तीन तीन गुना नीचे आके गिर गए। तो यह क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो भाई साहब मैं इसको है ना गिरावट में नहीं मानता, इसको मैं गिरावट में नहीं मानता। थोड़ा बहुत देख स्टॉक है वो गिर सकता है, चढ़ता भी है तो गिर सकता है। बात 6 मंथ की आती है ना, तो लगभग 70% रिटर्न हमें निकाल के दिया है इसने। और बात करें ऑल टाइम की तो लगभग 92% नेगेटिव रिटर्न है। बात करें 5 वर्ष की तो भी नेगेटिव रिटर्न है। और बात करें 1 वर्ष की तो लगभग उसमें भी 83-84% रिटर्न निकाल के दिया भाई साहब इसने। तो अभी इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है, अगर इसने हाई दिया था लगभग 13 रुपये तक हाई दिया इसने। तो आप लोग ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहते हो आगे फ्यूचर में, तो सबसे बेस्ट स्टॉक है फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम तक होल्ड बना के रखिए। इसकी काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी बहुत बड़ी डिमांड होगी। आप लोगों को बता दूं इसकी अभी चलने वाली है सुजलोन जैसी एनर्जी कंपनी और ऊर्जा ग्लोबल, ऐसे स्टॉक है ना ये सेल करने के लायक नहीं है, इसको होल्ड बना के रखो। आपके पोर्टफोलियो आपके पास है, अगर आपने बाई किया है तो उस पेनी स्टॉक को आप होल्ड करोगे आने वाले 2-3 साल तक, फिर आपको पता लग जाएगा क्या था। बात करें करंट प्राइस की तो लगभग 10.20 रुपये है, बहुत अच्छा मौका है अगर बाई करने का है तो। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है भाई साहब, नॉर्मल। तो उस पेनी स्टॉक का नाम आप देख पा रहे होंगे सुजलोन एनर्जी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।